कश्मीर से हम एक एक करके लोगों की बातें सुनवा रहे हैं। उसमें यह कहा गया कि स्कूल से बच्चे को निकाल दिया गया, मतलब वहां से उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कोमल इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ रही है। कोमल, फिलहाल जम्मू कश्मीर में इस भूकंप को लेकर क्या क्या जानकारी? देखिए, अभी कुछ चंद मिनटों पहले ही एक भूकंप आया है और खासकर चूंकि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं वो डर सहम गए हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि जो शहर वाला इलाका है वहां इतना खौफ नहीं है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है वहां पर पहाड़ियों पर घर बने होते हैं, तो ऐसे में भूकंप के झटकों से खौफ जरूर उनके अंदर पैदा हुआ है कि कहीं ये घर गिर ना जाए। तो इमीडिएटली वो जो लोग हैं अपने घरों से बाहर आ गए। कुछ देर में तस्वीरें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने घरों से बाहर आए जैसे ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ये भूकंप के झटके देखे गए। जी कोमल, आपने भी झटके महसूस किए होंगे, क्या लग रहा है इसकी तीव्रता कितनी रही होगी? बिल्कुल, अभी तक जो बात जो हमने देखा है कि ये जो एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड है 5.2 अर्थक्यूब जो हुआ है, ये गंडोह के बलेसा जो डोडा का इलाका है वहां हुआ है। और चूंकि जम्मू कश्मीर का इलाका है तो यहाँ पे जो जितने भी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाका है यहाँ पे 5.2 अर्थक्यूब जो मैग्नीट्यूड ये फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस किया जा रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है इससे बहुत ज्यादा जो शहरी इलाका है बहुत ज्यादा तो झटके नहीं देखे गए, क्योंकि पंखे वंखे हिलते देखे हैं। जैसे ही हम लोग बैठे हुए थे दफ्तर में तो जो पंखे हमारे ऑफिस के वो भी हिलने शुरू हो गए और सोफे पे बैठकर ही महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है। ऐसे नहीं, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां तक खबर आई कि वहां पर तो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में घर जो होते हैं बहुत नजदीक नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में जो ऊंचे नीचे एक ऊंचाई और गिरावट में घर बने होते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर जो लोग हैं वो कोमल पहाड़ों से नीचे उतरना और वहां से अपने आप को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाना मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रवि, कहां कहां से, किन किन इलाकों से आप तक क्या खबरें पहुंच रही है भूकंप को लेकर? देखिए, इस समय मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हूं और इस जगह पर मैं अभी अब से थोड़ी देर पहले ही गाड़ी में मौजूद था। हालांकि यहां पर कई लोगों से मैंने पूछा कि भूकंप उन्होंने फील किया कि नहीं, महसूस किया कि नहीं, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि भूकंप के झटके उन्होंने फील नहीं किया, लेकिन मैं खुद उस समय गाड़ी में मौजूद था। गाड़ी में अचानक गाड़ी हिलने लगी है और मैंने जैसे अपने सहयोगी से पूछा कि क्या भूकंप आ रहा है, क्या झटके कुछ हिलते हुए नजर आई है गाड़ी। हालांकि यहाँ पर हवा भी बहुत तेजी से चल रही है तो सहयोगी ने कहा कि हवा की वजह से गाड़ी हिल रही, लेकिन बाद में यह खबर आई कि भूकंप जम्मू कश्मीर से लेकर उधमपुर और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, यहाँ के चंडीगढ़ में भूकंप के महसूस किए गए, तो कुरुक्षेत्र में भी महसूस किए गए हैं। लेकिन क्योंकि मैं सड़क पर हूं और ज्यादातर लोग यहां पर ब्लॉक किया है किसानों ने, पिछले कई दिनों से इनका जाम चल रहा है और प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये फील नहीं हुआ कि भूकंप आया है, क्योंकि सड़कों पर जो लोग हैं उनको नहीं पता चला। जो बहुमंजिला इमारतों में है, ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स में जो लोग काम करते हैं या फिर घरों में रहते हैं उनको जरूर महसूस हुआ होगा, लेकिन सड़क पर जो लोग काम कर रहे हैं या गाड़ियों में जो लोग हैं या ट्रैफिक में है उनको भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए हैं। रवि, आप बता रहे हैं कि भूकंप के झटके आपने खुद महसूस किया, आप गाड़ी में उस वक्त बैठे हुए थे, कितनी? देखिए, इस वक्त एक बड़ी जानकारी पहले हम दर्शकों को देते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। पंजाब और हरियाणा में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहां से कोमल हमें इस वक्त बता भी रही थी कि लोगों में थोड़ा डर का माहौल वहां देखा गया। 20 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रियंका इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, जो रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता है वो 5.2 है, मतलब बहुत ज्यादा इसे नहीं मानेंगे, लेकिन क्या आम लोगों में कहीं आपने डर, कोई पैनिक सिचुएशन देखा क्या इस वक्त? देखिए, खासतौर पर अभी शुरुआती तौर से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5.2 बताया जा रहा है। इसका जो असर है वो केवल जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि पाकिस्तान, पेशावर, इन तमाम जगहों पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में एपी सेंटर आने के बाद ही ज्यादा पता चलेगा कि किस तरीके के नुकसान की या किस तरीके का डर का जो माहौल था। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमाम हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के झटकों को महसूस किया गया है। एपी सेंटर जैसे क्लियर होगा तो आगे की सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो पाएगी। बात जी, तो लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जम्मू से जुड़ी हुई हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कोमल, आप बता रही थी कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है,
कितनी देर तक भूकंप के झटके महसूस हुए और अभी किस तरह के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं, क्या किसी तरह के नुकसान की जानकारी मिली है कहीं से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, अभी अभी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर का जो मिडवे का रास्ता है, नेशनल हाईवे रामबन, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, अभी अभी खबर आई है कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि बिना भूकंप के भी वहां पर पहाड़ियां गिर जाती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों के लिए बंद हो जाता है। ऐसे में ये तो भूकंप के झटके रामबन में भी महसूस होना ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों से होकर के जम्मू से कश्मीर गाड़ियां पहुंचती है, तो ऐसे में थोड़ा चिंता का विषय ये भूकंप के झटके बना रही है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं रास्ते में गाड़ियां चल रही है, कानवाई सेना की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में कोमल मैं आपके पास आऊंगी। भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है, जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप का केंद्र है, जम्मू कश्मीर में ही ये केंद्र है। मैं सीधे एक बार फिर से अपनी सहयोगी कोमल का रुख करूंगी। कोमल, जो जानकारी अभी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर ही केंद्र है, तो क्या वहां से अब कुछ ऐसी खबरें आ रही है? हालांकि 5.2 का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा तबाही नहीं, लेकिन आपने कहा कि कुछ पहाड़ तो ऐसे ही दरक जाते हैं, वो तो बिना भूकंप के, तो ऐसे जर्जर इलाकों के लिए क्या ये चुनौती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनौती है, एक चिंता का विषय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप देखें कि पिछले दिनों डोडा में सिर्फ एक बारिशें हुई तो कुछ घर जो थे वो दरारें वहां पर आ गई थी, हालात वहां के खराब हो गए थे, लोगों को तब भी बाहर निकलना पड़ा था। ऐसी सिचुएशन में डोडा का जो बलेसा एरिया है, जो मेन हब है, जहां से ये पाकिस्तान की तरफ से भी ये जो भूकंप के झटके, जहां सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि साथ लगते पाकिस्तान के एरिया में भी ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ऐसे में ये स्थिति यहाँ पर साफ दिख रही है कि जम्मू के जो डोडा भदरवा का जो इलाका है, रामबन से जो अभी खबर आ रही है कि नेशनल हाईवे रामबन के सटे जो पहाड़ी इलाके के घर है, अगर आप तस्वीरें हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे कि वो जो तस्वीरें हैं वो अब नॉर्मल दिनों में भी देखने से डर लगता है, आम लोग जब वहां से गुजरते हैं तो पहाड़ी इलाके में वैसे घर भी देखने से डर लगता है। ऐसी सिचुएशन में जब वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तो ये चिंता का विषय है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो खानाबदोश लोग रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में उनको अपने गाय बकरों को भी बाहर लेके निकलना पड़ता है, खुद अपने आप को बचाने के लिए घरों से बाहर निकले, तो बेहद ये चुनौती है ऐसे पहाड़ी इलाकों से जब इस तरह के भूकंप के झटके महसूस होते हैं, इस तरह के भूकंप आते हैं। आम दिनों में भी वहां पर लोगों में डर रहता है कि थोड़ी सी हवा आई नहीं, ठीक है। कोमल, आपके पास हम वापस लौटेंगे, हमारे सहयोगी रिफत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रिफत, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या भूकंप के झटके आपने भी महसूस किए वहां पर, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी? जी, मैं श्रीनगर में, जी हालांकि ये जम्मू कश्मीर ही इसका रीजन रहा, जिस तरीके से आपको मालूम है कि डोडा इसका रीजन रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड जो था, अभी जो डिटेल्स आ रही 5.4 था, क्योंकि 6 से नीचे जो भूकंप होता है तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन 6 या 6.5 से ऊपर जो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, जो शिद्दत मापी जाती है, उसमें नुकसान के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अभी कोई डिटेल कहीं से भी नहीं आई है कि कहीं पर कोई नुकसान हुआ है, अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन कश्मीर में भी ये अर्थक्वेक जो है महसूस किया गया। हालांकि ज्यादा जोर के झटके यहां पे महसूस नहीं किए गए, लेकिन डेप्थ जो थी इसकी 6 किलोमीटर थी, जब सरफेस के करीब होता है कोई भी जलजला तो उसकी शिद्दत अगर कम होती है लेकिन उसको महसूस किया जाता है, तो फिलहाल कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि कहीं पे नुकसान हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर ही इसका केंद्र रहा है और डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू सूबे में पड़ता है वहां पर ही इसका एपिसेंटर था। और